जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं ठीक और आज का जो विषय है लाइव चर्चा का वह है कर्म योग का रहस्य जी हां कर्म योग क्या है और कर्म योग का रहस्य क्या है कर्म योग हमें किस प्रकार से समझना चाहिए कि कर्म योग क्या है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो बातें समझा रहे हैं वो बातें कर्म योग की बातें हैं पहले तो उन्होंने शरीर और शरीरी के रहस्य को समझाया देह और देही के रहस्य को समझाया जन्म मृत्यु रहस्य को समझाया पुनर्जन्म रहस्य को भी समझाया फिर उन्होंने स्वधर्म को समझाया कर्तव्य के विषय में भी अर्जुन को समझा दिया कि अर्जुन क्षत्रिय धर्म तेरा कर्तव्य है और यह तेरा महान सौभाग्य है कि तुझे यह युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ है यह धर्म युद्ध करने का तुझे धर्म रक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है और समाज को मानव जाति को इस विश्व को तुझसे ये आस है कि तू धर्म की रक्षा करेगा धर्मार्थ युद्ध करेगा धर्म युद्ध करेगा और धर्म की रक्षा हेतु तू युद्ध करेगा धर्म स्थापना हेतु तू युद्ध करेगा और अपने कर्तव्य की पालना करेगा और क्षत्रिय धर्म स्वधर्म तेरा तुझे उसके अनुकूल ही कर्म करना चाहिए तुझे कर्तव्य विमूढ़ नहीं होना चाहिए तू जिस पाप से बचना चाहता है कि तू अपने पितामह पर बाण चलाने से बच जाएगा शस्त्र चलाने से बच जाएगा तू अपने गुरु द्रोणाचार्य पर शस्त्र चलाने से बच जाएगा तू पाप मुक्त होना चाहता है लेकिन अगर तू ये युद्ध नहीं करेगा तो भी तू पाप का भागी बनेगा क्योंकि जहां पर धर्म युद्ध मिले वहां क्षत्रिय को युद्ध करना ही चाहिए उसका यह कर्तव्य है और यदि तू अपने कर्तव्य की पालना नहीं करेगा तो निश्चय ही तू पापी कह रहेगा और तेरा उपहास भी होगा तेरी अपकीर्ति भी होगी चारों दिशाओं में जो जन या जो लोग तेरी प्रशंसा करते हैं वो सब तेरी निंदा भी करेंगे तुझे डरपोग कायर और नप ही समझेंगे क्योंकि तू धर्म युद्ध से पीछे हट रहा है तू धर्म युद्ध का त्याग कर रहा है और आने वाला इतिहास भी तेरी घोर भर्त्सना करेगा तेरी घोर निंदा करेगा कि एक ऐसा योद्धा जो युद्ध करता रहा सारा जीवन लेकिन जब सही में उसे युद्ध करना चाहिए था तो वो अपने मन से ही हार गया और युद्ध कर भी नहीं पाया ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया तो इसलिए अर्जुन युद्ध करना तेरे लिए अनिवार्य है युद्ध करेगा अगर जीतेगा तो पृथ्वी का राज भोगेगा और अगर नहीं तो वीर गति को प्राप्त हो स्वर्ग का सुख भोगेगा इसलिए चिंता छोड़ दे कि तेरे द्वारा किए गए युद्ध का फल क्या होगा तेरे लिए वह सर्वदा सकारात्मक फल की प्राप्ति ही तुझे होने वाली है इसलिए तू इस बात की चिंता छोड़ दे और इस धर्म युद्ध को संपन्न कर तू अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध में युद्ध कर रहा है और तू धर्म के समर्थन में युद्ध कर रहा है यह तुझे कभी भी नहीं भूलना भूलना चाहिए इस युद्ध को पूर्ण करना तेरा कर्तव्य है विजय होगा विजेता बनेगा नहीं बनेगा यह पक्ष यह महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन तूने किस पक्ष में युद्ध किया वह पक्ष महत्वपूर्ण है तूने जिस पक्ष में युद्ध किया है वह पक्ष ही सबसे बड़ा महत्व रखता है बाकी तुझे युद्ध में तू विजेता हुआ या पराजित हुआ यह महत्व नहीं रखता लेकिन तूने किस हेतु युद्ध किया अगर तूने धर्म हेतु युद्ध किया तो वह मान्य है वह महान युद्ध है और वह युद्धा भी महान है भले अधर्म के लिए लड़ने वाला विजेता क्यों ना हो जाए लेकिन फिर भी वह महान नहीं कहा जा सकता तो इसलिए विवेक से विचार करकर तुझे युद्ध में लग जाना चाहिए तुझे युद्ध करना चाहिए अब भगवान सांख्य योग या निष्काम कर्म योग के माध्यम से अर्जुन को समझाते हैं कि तुझे किस भावना से युद्ध करना चाहिए कैसी तेरी भावना होनी चाहिए तेरी सोच कैसी होनी चाहिए युद्ध करते समय और कैसी भावना होनी चाहिए युद्ध करते समय कैसी तेरी सोच होनी चाहिए युद्ध करते समय यह तथ्य भी भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और इसी की वृद्धि करते हुए इन्हीं तथ्यों को आगे बढ़ाते हुए वो आगे जो श्लोक श्रीमद भगवद गीता में आते हैं वो उन्हीं विषयों पर हैं ठीक कि युद्ध तो करेगा लेकिन तुझे किस भावना से मन की स्थिति कैसे रखनी है योगी वाले स्थिति रखनी है तुझे दुर्योधन की तरह नहीं सोचना है दुर्योधन राज्य का लोभी पृथ्वी का लोभी भूमि का लोभी मरने वाले लोगों का शोक तो वह भी नहीं करेगा लेकिन अगर उससे उसकी भूमि छीन ली जाए उसका पद छीन लिया जाए तो समझ में आ जाएगा कि शोक करता है या नहीं करता है लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को समझा रहे कि तुझे शोक नहीं करना है और किस भावना से युद्ध करना है कैसी मना स्थिति होनी चाहिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है ठीक तो भगवान कृष्ण क्या अर्जुन से कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो तो युद्धास्व नैव पाप मवाप्यसीपस्सी मवा कि जया जयो जय पराजय हानि सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा इस प्रकार युद्ध करने से तू कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होगा तेरे लिए यह युद्ध इसलिए नहीं होना चाहिए कि तू सुख की प्राप्ति करेगा तुझे लाभ की प्राप्ति हो गई जय की प्राप्ति हो गई नहीं यश की प्राप्ति हो गई नहीं यह धर्म युद्ध है धर्म हेतु तुझे युद्ध बस करना है यह तेरा कर्तव्य है सुख मिलेगा दुख मिलेगा लाभ मिलेगी हानि होगी जय पराजय इन बातों से तेरा कोई सरोकार नहीं कोई मतलब नहीं होना चाहिए सुख दुखे समय कृतवा लाभा लाभ हो जया जय हो तो युद्धाये पापम पापम न अवापस्य तू किसी पाप को प्राप्त नहीं होगा यदि तू सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से बिना मतलब रखे अगर तू युद्ध करता है तब तुझे कोई पाप नहीं लगेगा एक समभाव से युद्ध करता है सम की स्थिति में तू रहता है वैसे ही मात्र युद्ध की बात नहीं है मनुष्य को भी अपने जीवन में समभाव रखना चाहिए अनेकानेक कर्मों को जो वो करता है यह संसार इसी प्रकार से है इसीलिए जो भारतीय दर्शन में आप देखेंगे किसी ईश्वर के ज्ञान से ज्यादा महत्व तो प्रकृति के ज्ञान को दिया गया है प्रकृति किस प्रकार व्यवहार रखती है प्रकृति किस प्रकार अपना चाल चलन रखती है एक योगी को सब समझ में आना चाहिए और अनासक्त भाव से उसे योग की साधना करनी चाहिए संसार के कर्म भी साधना रूप में ही करते रहना चाहिए संसार के कर्मों से उसे विलग होने की आवश्यकता नहीं लेकिन सुख दुख से परे लाभ हानि से परे जय पराजय से परे होकर एक संतुलन बनाते हुए उसे अपने सारे कर्मों को करना चाहिए ठीक है तो ऐसा उपदेश योगी होने का उपदेश ऐसा करने से ऐसा करने से अगर तू समि को प्राप्त करता है युद्ध करता है ऐसा करने से तुझे कर्म बंधन का भी दोष नहीं लगेगा ईशा ते अभि हिता सांख्य बुद्धिर योगे तिमा शिणु हिपार्थ सुनो पार्थ ईशा बुद्धि ते सांख्य अभिता तो इमामे इमा योगेश नु युक्त कर्म बंधन कर्म बंधम ठीक ना प्रहस कर्म बंधम प्रहस्यसी हे पार्थ यह सम बुद्धि तेरे लिए सांख्य योग में कही गई है और अब तू तो इसको कर्म योग के विषय में सुन जिस सम बुद्धि से युक्त हुआ कर्म बंधन का त्याग कर देता है सांख्य योग सांख्य दर्शन नहीं सांख्य योग मतलब अष्टांग योग ही सांख्य योग है सांख्य योग में बुद्धि प्राप्त हो जाती है जब विवेक ख्याति होती है पुरुष और प्रकृति का जब सही सही ज्ञान हो जाता है तो योगी को सम बुद्धि प्राप्त होती है यह वर्णन योग शास्त्र में या फिर सांख्य शास्त्र में भी प्राप्त होता है तो योगी को समबुद्धि प्राप्त हो जाती है जब वो ऐसी साधना करता है तो तो समबुद्धि प्राप्त होने से हे पार्थ यह समबुद्धि तेरे लिए सांख्य योग में कही गई है और अब तू तो इसको कर्म योग के विषय में समझ इसी बात को तू योग के विषय में समझ कि तुझे कर्म बंधन नहीं होगा कैसे नहीं होगा जब तू अनासक्त भावना से कर्म करेगा तो तुझे कोई कर्म बंधन नहीं होने वाला तू युद्ध कर इसलिए नहीं कि तुझे किसी को मारना है या फिर तुझे पृथ्वी का राज्य हड़पना है या स्वर्ग का सुख भोगना है नहीं वीर गति को प्राप्त होगा तो स्वर्ग का सुख मिलेगा या फिर इस युद्ध को जीतेगा तो पृथ्वी का राज भोगेगा इन दोनों ही बातों में तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए इन दोनों ही बातों में तेरी कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए और निरासक्त होकर तुझे युद्ध में लग जाना चाहिए युद्ध में कार्य करना शुरू कर देना चाहिए तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए ऐसी बातें कहते आगे कहते हैं नेहा प्रत्यवायो नेहाभिक्रमनाशो अस्त धर्मस्य त्रायते महतो भयात मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता जो समुद्धि रूप धर्म है अब यह भी एक धर्म है जी क्यों धर्म है क्योंकि तो सम बुद्धि को धारण करने से सम बुद्धि रूप धर्म हो जाता है तो धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता जिन्होंने सम बुद्धि को प्राप्त कर लिया है उल्टा फल नहीं होता किसी प्रकार का बंधन नहीं होता थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है इसका अनुष्ठान निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान महान भय से कर्म बंधन नहीं बनने देता है कर्म बंधन से मुक्त रखता है हमें ठीक तो यह समझाने का प्रयत्न भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगले इकतालीसवें श्लोक में कहते हैं बुद्धि रेकेह बहु बहुशाखा हे अनंताश बुद्धयो व्यवसायी नाम कुरुनंदन हे कुरुनंदन इस सम बुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है जिनका एक निश्चय नहीं है ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली हो जाती हैं फिर उनका ध्यान या एकाग्रता उस स्तर का फिर नहीं रहेगा क्योंकि बुद्धि तो बिखरी हुई है बिखरा है उसमें अत्यधिक तो इसीलिए तू समबुद्धि को प्राप्त हो एक बुद्धि को प्राप्त हो एकाग्र बुद्धि को प्राप्त हो और तू कामनाओं से अपने जीवन को मुक्त कर दे हे प्रथानंदन हे अर्जुन जो कामनाओं में तनमय हो रहे हैं स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं और कुछ है। और कुछ है ही नहीं भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा मानने वाले हैं अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है भोग और ऐश्वर्य को प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है ठीक तो इस प्रकार से कहा गया कि स्वर को ही श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए वेदों में वर्णित जो आत्मज्ञान का विषय है उसको भी समझना चाहिए तो इस प्रकार से हमें यह समझाने का प्रयास भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मात्र स्वर्ग नरक की नहीं चिंता करनी चाहिए ठीक तया अपहृत चेत साम भोगश्वर्य प्रसाद समाध व्यवसायिक व्यवसायत्मिका बुद्धि न विधीयते उस पुष्पित वाणी से जिसका अंत हर लिया गया है अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि समाध समाधि में उस आत्मज्ञान में समाधि में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है अब यहां पर पीकाकार महोदय ने समाधव को परमात्मा मान लिया है तो वो परमात्मा उसको लिख दे रहे हैं लेकिन समाधव समाधि में इसलिए योग सूत्र को श्रीमद भगवत गीता को योग सूत्र भी माना गया है योग शास्त्र भी माना गया है तो उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतकरण हर लिया गया है अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हो गया है परम समाधि में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं बन सकती ऐसे व्यक्ति की तो ऐसे लोग स्थिर बुद्धि नहीं रह पाते हैं तो तीन गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं ये अर्जुन तीन गुणों से रहित जो राग आदि द्वंदों से रहित नित्य वस्तु जो आत्मा है जो आत्मतत्व है जो स्थित है उसको जानो योग क्षेम की चाहना भी मत रखो परमात्म परायण तो यह हमें भगवान कृष्ण इन सभी बातों को समझा रहे हैं कि तुम्हें किस प्रकार से समबुद्धि को प्राप्त करकर कर बिना द्वेष की भावना से बिना अहंकार की भावना से बिना राग द्वेष को पाले हुए तुम्हें युद्ध करना चाहिए तुम्हें युद्ध के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए तो निष्काम योग होगा और यह बंधन नहीं होगा वैसे इस अवस्था को सांख्य योगी स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं सांख्य योगी इस अवस्था को स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं जहां जय पराजय लाभ हानि इन सब विषयों में कोई मोह नहीं रहता तो बिना मोह किए वह इन सब विषयों को समझने का प्रयास करते हैं तो वैसे ही संपूर्ण मनुष्य को भी सभी मनुष्य को निष्काम कर्म योगी बनना चाहिए और अपने कर्तव्य की पालना अगर उसका कर्तव्य युद्ध करना है तो अपने कर्तव्य की पालना ही उस काल में करना चाहिए तो यह विचारणीय तथ्य है यह समझने योग्य तथ्य है तो निश्चय ही विचार भी होना चाहिए अगर व्यक्ति के ऐसे निष्काम कर्म हो जाए तो वैसे ही बहुत सारी जीवन की समस्याएं समाप्त तो हो जाएंगी आइए चलिए चलते हैं लेकिन स्वाभाविक रूप से जो निष्कामता प्राप्त होती है कर्मों में वो कैसे होती है तो वो ध्यान योग से होती है या सांख्य योग से होती है तो ध्यान योग के ऊपर ही यह कोर्स 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है आप इसका लाभ उठाएं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग रखने के लिए आप प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा से भी आप जुड़ सकते हैं और साथ ही यह ध्यान योग का कोर्स 20 दिसंबर से शुरू होगा उसका अत्यंत लाभ उठाइए ध्यान योग में हट योग से संबंधित और राजयोग की गुण विद्याओं का अभ्यास कराया जाता है इस कोर्स के अंतर्गत बहुत लाभान्वित होंगे यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और लाभ उठाते हैं ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन क्या समझ रखता है क्या कहता है क्या टिप्पणी है शिखर शर्मा जी जगत नारायण जी अवधेश कुमार जी अर्जन भाई अमन कक्कर राजू पाल पवन कुमार गुप्ता शंकर प्रसाद सोमनाथ शिंदे नूतन भट्ट जी नवी सविता नायक रूपलाल विश्वकर्मा अबनी प्रधान जी सुप्रीत जी कमलेश जी। विनोद के सूद राम निवास मीना राम विलास माधुरी कोल्हे रचित रंजन बरुआ ओमराज हेमब्रॉम घनश्याम सरोदे पारजी जी कुंवर जी जयंती भाई पटेल रतन सिंह जी सतीश कुमार जी दिनेश भाई डाभी बिमला शाह संतोष संतोष कुमार जी विष्णुचंद्र मौर्या कुंभाराम जी धनराज सिंह राजपूत बीकू कुचाड़िया जी बंधु डाव सीताराम माली जलाराम राय कुमार शर्मा लोक, लोकनाथ सरकार कर्मयोग में प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग मतलब जहां पर हम समबुद्धि होते हैं वहाँ निवृत्ति है और प्रवृत्ति मतलब जहां पर हम वृत्ति के सहित हैं आसक्त हैं वह प्रवृत्ति है यह निवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग का रहस्य है प्रथमेश जी राकेश गुप्ता जी मनीष जाधव जी गंभीर शाह जी तो सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है यह निष्काम कर्म योग का जो विषय है इसे हम समझें और समझकर खुद अपने जीवन में हम कर्म योग में जहां तक ला सकते लेकिन एक बात सत्य है भगवान ने कहा कि सांख्य योगियों के द्वारा यह निष्काम कर्म योग किया जाता है तो यह जो निष्काम कर्म योग है यह सांख्य योगियों के द्वारा क्यों क्योंकि सांख्य योगी स्वतः ही अपना ध्यान योग का अभ्यास करते हुए सम की अवस्था में चले जाते सम की अवस्था में प्राप्त हो जाते क्योंकि तो सम जब बुद्धि जब सम होगी जय पराजय के प्रति लाभ हानि के प्रति मान अपमान के प्रति जब बुद्धि सम होगी और बहुत सारे द्वंद्व हमारे सामने आ सकते हैं अनेक रूप में दुख कष्ट क्लेश आ सकते हैं हम, हमारे कर्मों के कारण लेकिन हमें विचार करना है इस विषय पर कि हम आसक्त ना हो हम अनासक्त रहें चीजें अपने समय से आएंगे लेकिन हम अनासक्त रहें और यह अनासक्ति भी वैसे तो जबरदस्ती नहीं लेकिन कर्म करते हुए हमें लाने की कोशिश करनी चाहिए अनासक्त भाव ही लाने की निष्काम भाव ही लाने की कोशिश करना चाहिए लेकिन ध्यान योग के द्वारा निरंतर जब हम ध्यान योग करते हैं निरंतर जब हम ध्यान योग करते हैं जब ध्यान योग किया जाता है तो ध्यान योग के द्वारा स्वतः ही योगी समबुद्धि अवस्था को प्राप्त हो जाता है जब ध्यान योग किया जाता है तो स्वतः ही क्या है स्वतः ही समबुद्धि अवस्था को प्राप्त हो जाता है और समबुद्धि को प्राप्त कर, कर, कर फिर उसे कोई दिक्कत नहीं है वह निष्काम कर्म योग को भी स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा तो निष्काम कर्म योग समबुद्धि अवस्था में होता है और समबुद्धि के लिए अर्जुन के पास समय नहीं है कि वो ध्यान योग का लाभ उठाए लेकिन भगवान कृष्ण उसे समझा रहे हैं कि तू ऐसी बुद्धि रखते हुए ऐसे ही बुद्धि का अभ्यास करते हुए तो युद्ध कर सुख दुखे समय कृतवा लाभ लाभ हो जया जय सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में सम बुद्धि रख और तू युद्ध कर युद्ध को पूर्ण कर अपने जीवन में तो युद्ध को पूर्ण करने की बात कही जा रही है युद्ध को पूर्ण करने की बात समझाई लेकिन किस भावना से निष्काम योग की भावना से निष्काम कर्म की भावना से समबुद्धि होकर समता को धारण कर कर फिर अपने सारे कर्तव्यों को निभा जो अनिवार्य हैं जो धर्मयुक्त हैं जो जरूरी हैं पार्थपरक मत बन लेकिन अपने कर्तव्य को अवश्य निभाना पड़ेगा तो इसका भी भगवान उपदेश दे रहे हैं तो यह समबुद्धि लाने के लिए अनिवार्य हो जाता है ध्यान युग का अभ्यास वास्तव में देखिए जो जो श्रीमद् भगवद गीता है वह आपको एक व्यवहारिक ज्ञान दे रही है कि आपको जीवन कैसे जीना है कर्म कैसे करना है कैसी भावना रखनी है जीवन में शुरू से लीजिए भगवान ने कहा कि देखो तुम द्वंदो को सहन करो सुख दुख तो आएगा वैसे ही आपको ना वेस्टर्न फिलॉसफी में एक फिलासफी थी स्टॉइसिज्म स्टॉइक फिलॉसफर जिसको रोमन एम्पेयर ने काफी फॉलो किया था कुछ रोमन एम्पायर ने सारे नहीं कुछ ने किया था स्ट्राइक जो सेज हुआ करते थे उनका यही मानना था साधुओं का कि हमें प्रकृति को समझना चाहिए हमें प्रकृति से भागना नहीं चाहिए और प्रकृति जैसी है हमें उसे वैसे स्वीकार करना चाहिए जैसी है वैसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए नेचर को तो अगर दुख देती है तो दुखों को एक्सेप्ट करो सुख देती है तो सुखों को भी एक्सेप्ट करो लेकिन तुम समभाव से सब कुछ एक समभाव वाली बात या समबुद्धि वाली बात इस श्रोय फिलॉसफी में नहीं है लेकिन वो कहते हैं कि आप प्रकृति को से आप झगड़िए मत आप सर्वदा सुखी बनने की कोशिश मत कीजिए आप स्वीकार कीजिए यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू राग द्वेष आदि जो आती हैं चीजें इनको तू सहन कर दूसरा कोई उपाय नहीं है तेरे पास और तू युद्ध कर क्योंकि शरीर मरता है शरीर ही कभी नहीं मरते हैं इसलिए तू शोक भी मत कर और ज्ञानी जन कभी इन विषयों पर शोक नहीं करते हैं असच असोच्यान अनुसोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाष से नगतासु गता ना अनुसोचन्ति पंडिता कि पंडित जन इस विषय में शोक नहीं करते हैं तुझे भी शोक नहीं करना चाहिए शोक ना करने का उपदेश भगवान दे रहे हैं और कई तरीके से दे रहे हैं फिर अंत में उसका कर्तव्य भी समझा रहे हैं कि तुझे एक कर्तव्य भी है तेरा तो क्षत्रिय धर्म है तेरा तो तेरा कर्तव्य भी है तो तू युद्ध भी तो करेगा ना अपना कर्तव्य की पालना भी करेगा कर्त कर्तव्य की पालना लेकिन कर्तव्य भाव से कर आसक्त भाव से मत कर क्योंकि देखो इस संसार में मान अपमान यश अपयश ये तो आएगा ही आएगा सबके लिए आएगा मनुष्य अपने कर्म से सही रहे यह नहीं कि अपने आप को बहुत बड़ा अहिंसक कहलाने के चक्कर में अवार्ड लेने के चक्कर में हम गलत रास्ते पर चल पड़े गलत मार्ग हम अपना ले यह उचित नहीं होता है हम समाज के बारे में सोचना बंद कर दे अर्जुन की यही तो भावना है ना उसे समाज की चिंता नहीं है उसे धर्म की चिंता नहीं है उसे अपनी चिंता है कि भाई मुझे पाप लगेगा यदि मैं गुरुजनों पर शस्त्र प्रयोग करूंगा पितामह पर शस्त्र प्रयोग करूंगा मुझे दोष ही तो लगेगा मुझे पाप ही तो लगेगा और युद्ध के प्रारंभ में मुझे पहले इनका ही सामना करना पड़ेगा क्योंकि तो विष्णु पितामह ही सेनापति हैं कौरवों के वो अपने पाप पुण्य के बारे में सोच रहा है समाज के पाप पुण्य के बारे में नहीं सोच रहा है समाज की रक्षा और धर्म की रक्षा के बारे में नहीं विचार कर रहा है भगवान उसे समझाते हैं कि तेरा कर्तव्य है एक क्षत्रिय का जिसका कर्तव्य है धर्म को छत्र प्रदान करना समाज को छत्र प्रदान करना छत्र प्रदान करने का अर्थ सुरक्षा प्रदान करना उस कर्तव्य से तू विमूढ़ हो रहा है वह भी उचित नहीं है और फिर कहते कि तुझे कर्तव्य की पालना तो करनी है कर्म तो संसार में करना है लेकिन समभाव से करो और करते जाओ कर्म पर ध्यान दो व्यर्थ की बातों पर मत ध्यान दो कर्म के ऊपर ध्यान दो अपने कर्म को बेहतर ढंग से करो अब इस विचारधारा पर जब कृष्ण आते हैं तो यह मीमांसा की विचारधारा बन जाती है मीमांसा में कर्म ही सर्वोपरि है और कर्मों की ही सत्ता है तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी आता है लाभ हानि जय पराजय सुख दुख जो भी आ रहा है सब तुम्हारे कर्मों का ही तो फल है लेकिन फल तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम्हारे हाथ में कर्म है फल तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है इसलिए तुम कर्म करो और कर्मों कर्म से ही तुम क्या बनाओगे जो बनाओगे वही तो तुमको मिलेगा अपने कर्मों से जो तुम बनाओगे तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तू निष्काम कर्म योग में लग जा यह मोक्षकारक है यह कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाला है यही मीमांसा का यह मीमांसा शास्त्र की विचारधारा कर्म से मोक्ष जी हां कर्म से बंधन नहीं कर्म से मोक्ष यह विचारधारा छह शास्त्रों में मीमांसा शास्त्र की विचारधारा है कि कर्म से ही तुम्हें मुक्ति हो जाएगी ठीक तो यह हमें यह शब्द हमें समझना चाहिए और इस विषय को हमें समझना चाहिए तभी जाकर हम इस विषय को समझकर आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन को भी बेहतर तरीके से जी सकते हैं तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तू आत्मज्ञान की ओर मोक्ष की ओर प्राप्त हो जा और मोक्ष की ओर प्राप्त होकर मोक्ष की ओर आगे बढ़कर तू अपने जीवन का कल्याण कर ठीक ठीक है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और विचारों को अब विराम देते हैं यहां पर यहां पर योग क्षेम को चाहने वाला हो इसका अर्थ योग क्षेम को ना चाहने वाला हो जी हां क्षेम को ना चाहने वाला हो मतलब अपने पुण्य का फल पुण्य के जो योग बनते हैं यहां पर जो विषय लिया गया है पहले किसका विषय लिया गया तीन गुणों का विषय लिया गया है। वेदों का विषय लिया गया त्रैगुण्य विषया वेदा त्रैगुण्य भावुना वेद तीन गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं हे अर्जुन तीन गुणों से रहित हो जा राग द्वेष आदि द्वंद्व से रहित हो जा नित्य वस्तु में स्थित हो जा मतलब आत्मा में स्थित हो जा समाधि में स्थित हो जा निर्योग क्षेम की जो योग छेम है उसकी भी चाहना मत रख ठीक है और तू आत्मवान हो जा आत्मवान हो जा परमात्म परायण हो जा आत्मवान हो जा ऐसी स्थिति को आत्मा के गुणों को तू धारण कर आत्मा इन सभी विषयों से परे है इसलिए तू उसको धारण करके तू अपने कर्म को कर ठीक है तू अपने कर्म को कर तो इसीलिए तीन गुणों से बनने वाले अनेकों योग होते हैं तीन गुण हैं यहां पर और उनसे निर्मित होने वाले अनेकों योग क्षेम क्षेम का अर्थ है साधन संसार का साधन और उन साधनों का जो योग निर्मित हो रहा है अनेकों योग निर्मित हो रहे हैं तो अनेकों योग जो निर्मित हो रहे हैं तुझे उनके प्रति आसक्ति नहीं रखनी है यह भगवान का उपदेश है तीन गुणों के खेल से ऊपर उठने का प्रयास करना है त्रिगुणी माया के खेल से ऊपर उठने का प्रयास करना है अगर त्रिगुणी माया के खेल से हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे तो फिर सारा कर्म बंधन तो तीन गुणों का ही है तो तीन गुणों का यह संसार क्या है तीन गुणों का कार्य है संसार क्या है तीन गुणों का कार्य है भगवान का कहने का अर्थ तू असंसारी बन तथा निर्द्वंद हो अर्थात सुख दुख के हेतु सुख दुख के लिए जो परस्पर विरोधी युग्म पदार्थ हैं, उनका नाम द्वंद है उनसे रहित तो हो जा नित्य सत्वस्त हो अर्थात सदा सत्व गुण के आश्रित हो जा, निर्योग क्षेम हो जा अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का नाम क्या है योग है प्राप्त वस्तु के रक्षण का नाम क्षेम है समझ गए तो यहां पर तीन गुणों के संदर्भ में योग क्षेम की चर्चा की जा रही है इसलिए दो शब्द का प्रयोग है योग क्षेम कि जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करना और उसका रक्षण करना यह भी एक आसक्ति है तो इस क्षेम का तो ना चाहने वाला बन जा तथा तो आत्मवान हो अर्थात आत्म विषयों में प्रमाद रहित हो तो जब एक योगी योग साधना करता है तो किस लिए करता है योग क्षेम के लिए करता है या फिर स्वरूप के लिए करता है योग का उद्देश्य क्या है तद स्वरूपे अवस्था नामद्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम योग का अर्थ है तो योग का उद्देश्य तो स्वरूप को मत त्याग स्वरूप को मत छोड़ आत्मज्ञान को मत छोड़ आत्मस्थिति को मत छोड़ लेकिन योग से अनेकों तीन गुणों के योग से वास्तव में यहां पर योगक्षेम तीन गुणों के योग से प्राप्त होने वाला जो छेम है जो फल है उसमें आसक्ति मत रख और उसके रक्षण में अपना समय बर्बाद मत कर सेविंग्स हुँ? सेविंग एक मानसिक रोग है लोग सेविंग्स में लगे रहते हैं ठीक है कर्तव्य रूप में करना चाहिए लेकिन आसक्ति रूप में कुछ लोग सेविंग में ही लगे रहते हैं कई तो ऐसे लोग भी मैंने देखे कि वो इतना सेविंग करते हैं कि खुद ना अच्छे से खाते हैं ना अच्छे से रहते हैं सिर्फ सेविंग ही करते रहते हैं तो इसलिए यह छेम विषय है सेविंग जिसको मैं बोल रहा हूं तो इन सभी चीजों में अनासक्त होकर जो जरूरी कर्म कर्तव्य है वो कर्म कर्तव्य करो उसे पूर्ण करो और निष्काम भावना से करो इसलिए करो क्योंकि इसमें धर्म रक्षा है इसमें लोक कल्याण है तुम्हारा क्या इसमें है मत ऐसी भावना रखो और तुम्हारा कर्तव्य सामने है तो इसलिए करो वैसे भी कोई चीज बनी रहेगी हमेशा नहीं धर्म है अधर्म है संघर्ष चलता रहता है धर्म की वृद्धि होती है तो कभी अधर्म की वृद्धि हो जाती है भगवान इन सभी विषयों को आगे स्पष्ट करने वाले हैं तो हम देखेंगे क्या कहते हैं क्या समझाते हैं युग की परिभाषा देते हैं युग क्या है उस परिभाषा को भी समझने का प्रयास किया तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं आज के कार्यक्रम को कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में नाइन पीएम पर आप जुड़े रहें और बीस तारीख से जो लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है क्षमा करें ध्यान योग का कार्यक्रम शुरू हो रहा है 20 तारीख से आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन कर कर इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए ठीक है पूरा पूरा आप इसको लाभ उठाइए और लाभ उठाकर ध्यान योग को सीखिए तभी समबुद्धि प्राप्त हो सकती है ध्यान योग हमें यह सांख्य योग ही है जो ध्यान योग का कोर्स चलता है आप इसे अष्टांग योग पर ही आधारित है ध्यान योग पर ही आधारित है परंपरा पर आधारित है शास्त्र परंपरा पर आधारित है तो जरूर आप इस ध्यान योग को सीख कर लाभान्वित हो देखिए हम जो है ना हमें मोक्ष मिल जाएगा ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी परमात्मा मिल जाएंगे युग का बहुत ऐसा कोई विषय नहीं है सर्वप्रथम हमें एक अच्छा जीवन जीने आ जाए दर्शन को समझने का विषय उद्देश्य ये है कि एक अच्छा जीवन एक बेहतर जीवन हमें जीने आ जाए फिलॉसफी या फिर जो धर्मशास्त्र हैं हमारे वो हमें प्रकृति के गुड़ रहस्यों को हमारे सामने रखते हैं और समझाते हैं कि भैया ये सब बातें हैं आप इनको समझिए और ऐसे जीवन जिए मानसा मीमांसा क्षमा करें मीमांसा शास्त्र जो है कर्म की गहराई को समझा देती है कि भैया कर्म करो अच्छे से बस ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना किसी परमात्मा के किसी देवता है प्रकृति ही है देवता प्रकृति ही देवता रूप में है या देवता प्रकृति के रूप में है तो प्रकृति के साथ एक अच्छा संबंध बनाओ अपना और अच्छे कर्म करो शुभ कर्म करो शुभ कर्मी बनो ठीक है और उसी के लिए शुभ कर्म करवाने के लिए उन्होंने कर्म कांड सिद्धांत दिया लेकिन जो सनातन धर्म विरोधी थे जो प्रोपेगेंडा चलाना चाहते थे जैसे आज भी बहुत सारे प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं तो जो प्रोपोगडा चलाने वाले थे उन्होंने कहा कि कर्मकांड का मतलब होता है पाखंड उन्होंने कर्मकांड और पाखंड का प्रायवाची बना दिया और भारतीय हिंदुओं में सनातन धर्मियों में शिक्षा की भारी कमी कौन सी शिक्षा की भारी कमी सनातन धर्म की शिक्षा की भारी कमी होने के कारण उन्होंने कर्मकांड को पाखंड समझ लिया तो इसीलिए हमें समझना है हमें जीवन जीने का तरीका श्री कृष्ण समझा रहे हैं और जितने भी हमारे शास्त्र हैं वो जीवन जीने का सही तरीका ही समझा रहे हैं जब हम न्याय शास्त्र का अध्ययन करते हैं न्याय शास्त्र, न्याय दर्शन वैदिक दर्शन न्याय शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो वो लॉजिकल जस्टिस के बारे में समझाता है हमें कि तर्क से न्याय करो तर्क बहुत जरूरी तत्व है अगर तुम किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हो किसी सही निर्णय पे पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें तर्क करने की सही विधि पता होनी चाहिए तुम वाद विवाद करो लोगों के साथ शेयर करो सॉक्रेटिस पाश्चात्य में सॉक्रेटिस यही काम करता था सुक्रात यही काम करता था लोगों से प्रश्न करता था बातचीत करता था न्याय दर्शन महर्षि गौतम कहते हैं कि ये होना चाहिए ये करो लेकिन तुम बहुत सचेत रहना कहीं तुम कुतर्क का शिकार मत हो जाना और इसीलिए तुम कुतर्कों से बच पाओ और सही तर्क तक पहुंच पाओ सही कंक्लूजन तक पहुंच पाओ न्याय शास्त्र की रचना हुई है बहुत जरूरी है अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं न्याय दर्शन को समझिए न्याय दर्शन हमें क्या समझाना चाहता है इसी तरह से वैशेक है वेदांत है योग है योग तो है ही कि स्वयं को जानो स्वरूप का साक्षात्कार करो अपने भीतर मन बुद्धि चित्त इंद्रियां इन सब का ज्ञान प्राप्त करो क्या है ये चीज है कैसे काम कर रही हैं अपनी चित्त वृत्तियों को अपने नियंत्रण में ले आओ सम अवस्था में जाओ सम बुद्धि को प्राप्त हो जाओ विवेक ख्याति को प्राप्त हो जाओ फिर देखो तुम कितना बेहतर जीवन जी पाओगे तो वास्तव में हम बेहतर जीवन जी सके इसी उद्देश्य से सारी बातें बताई जा रही हैं हमें उस पर ध्यान देना चाहिए फिलॉसफी का भी कोर्स चल रहा है इस महीने अवश्य यह उद्देश्य होगा कि फिलॉसफी के कोर्स को शुरू किया जाए कुछ लोग ज्वाइन किए हैं लाभ उठा रहे हैं अभी कोर्स चल रहा है समाप्त नहीं हुआ है लेकिन दूसरे लोग भी इसको ज्वाइन करके लाभ उठाएं उसके लिए भी कोर्सेज शुरू कर दी जाएंगी वीडियोस उनको भी मिलेगी जो इस महीने निश्चय दूसरा बैच फिलॉसफी का शुरू होगा उसकी अनाउंसमेंट आगे आपको मिलेगी दर्शन सनातन धर्म दर्शन को समझने के लिए प्रयासरत रहे और हम भारतीय सनातन धर्म को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब समझ पाएंगे तो निश्चय ही बहुत अच्छा कर्म कर पाएंगे और इस धर्म का विकास कर पाएंगे तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 पीएम पर कोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कीजिए और लाभान्वित होइए